Students, myself, Mohan Chatterjee, your maths teacher. This is my first lecture of class 7. Your maths textbook is Mathematics by R.S. Agarwal. Today we will study about integers. Integers. First, we will discuss about what are integers. Next is representation of integers on a number line. Third is rules of addition and subtraction of integers. Now our first point is, what are integers? Students, you have already known what are whole numbers. Whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4, to infinity. Now, next, negative whole numbers are minus 1, minus 2, minus 3, up to minus infinity. Set of all these numbers are called integers. Set of all these numbers are called integers. So the definition of integers is all positive and negative whole numbers are known as integers. All positive whole numbers together with negative whole numbers are known as integers. Now we plot a number line. Now we plot a number line and the middle we put a 0, 1, 2, 3 and so on, and now minus 1, minus 2, minus 3, and the right of the 0 and the positive, and from the left of the 0 are the negatives. As we move from 0 to right, the values of the numbers are increased, and from the left from 0 the values of the numbers are decreased. That means minus 3 is less than the minus 1. But on positive, we know 3 is greater than 1. So, yahan student, ye 0 se jitna negative taraf jayenge, the numbers ka decrease hota hai, kam hote jata hai, aur 0 ke right mein jitna jayenge, हम लोग तो values numbers का increased होता है. That means we can say 4 is greater than 1, 3 is greater than 2, but here minus 1 is greater than minus 2, minus 3, it is. Now our last point is rules of addition of an integers. Thus minus 1 add
माइनस प्लस प्लस माइनस सब। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि अगर दो नंबर्स कोई भी दो नंबर सेम साइन हो जैसे प्लस प्लस और माइनस दोनों ही माइनस में है ऐड करना है तो दोनों केसेस में दोनों ही प्लस करेंगे सम करेंगे ऐड करेंगे और साइन क्या होगा फर्स्ट वन प्लस 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 साइन माइनस माइनस ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस में होगा। नेक्स्ट एक माइनस दूसरा प्लस और एक प्लस दूसरा माइनस दोनों केसेस में ही सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन होगा जो ग्रेटर उसमें विदाउट साइन जो नंबर ग्रेटर होगा उसका साइन होगा। एग्जांपल नाउ टेक एन एग्जांपल 2 + 3 = 5 −2 − 5 = −7 यहाँ 2 प्लस पे है 3 प्लस में दोनों प्लस के ऐड किए तो साइन क्या हुआ प्लस 5 माइनस नेगेटिव साइन 2 और 5 में भी नेगेटिव साइन दोनों का क्या करना है ये पहले हम बताया है कि माइनस और माइनस क्या करना होगा ऐड तो 2 प्लस 5 क्या होगा 7 और साइन किसका हो जाएगा माइनस ऐड करेंगे साइन दोनों नेगेटिव होगा तो साइन क्या हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट एग्जांपल −7 + 2 − 5 नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए −7 किस साइन में है माइनस में 2 किसका साइन क्या साइन है प्लस में माइनस और प्लस दोनों अपोजिट साइन में हमको करना क्या है सब्ट्रैक्ट हर हाल में हमको करना क्या है सब्ट्रैक्शन साइन एक में माइनस एक में प्लस तो माइनस करेंगे 7 − 2 क्या हो जाएगा 5 और साइन किसका बताया थे Which one is greater? Without sign, which one is greater? 7 or 2? 7 is greater. A 7 का sign क्या है? Minus. तो minus sign होगा answer. Next, 8 − 3 = 5. यहाँ 8 किसमें है? Plus में. और 3 किस sign है? Minus. तो 8 − 3 क्या हो जाएगा दोनों तरफ हम बोले थे कि 1 + 1 − होने से क्या होना चाहिए सब्ट्रैक्शन होना चाहिए तो 8 − 3 = 5 साइन यहाँ क्या होना चाहिए प्लस क्यों 8 और 3 में विच वन इज ग्रेटर 8 इज ग्रेटर सो साइन इसका क्या हो जाएगा प्लस। और हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं फिर से एक बार हमको रूल्स बता दें क्योंकि ये ही रूल आपको आगे जो भी मैथ्स बनाइएगा ये भी रूल फॉलो होता जाएगा तो ये रूल्स समझना बहुत ज़रूरी है एडिशन के लिए दोनों सेम साइन है दोनों में सेम प्लस प्लस है या माइनस माइनस है हमको करना क्या है वी हैव टू ऐड दिस इंटीजर्स 2 + 3 दोनों सेम प्लस प्लस है तो साइन प्लस हुआ 5 हुआ माइनस दोनों में माइनस है फिर भी हमको क्या करना था प्लस करना था 2 + 5 = 7 हम साइन क्या करना था दोनों में माइनस होगा तो साइन हो जाएगा माइनस 1 एक साइन माइनस दूसरा प्लस तो किस क्या साइन हो जाएगा जो ग्रेटर विच वन इज ग्रेटर विदाउट साइन विच वन इज ग्रेटर 7 and 2 7 is greater, that's why the sign of the result is −5. Again, 8 − 3, 8, sign of the 8 is plus, so the result is plus 5. 8 − 3 = +5. Now, we move on at subtraction of integers.
next lecture, lecture 2, I will discuss it.